अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपनी किसी भी फेसबुक आईडी को रिमूव करना, फेसबुक से ख़त्म करना, डिसेबल करना किसी भी आईडी को, तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किसी की भी आईडी को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को भी ऑन कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, ये एक मेरी वीडियो थी 6 मंथ पहले की, हाउ टू रिमूव फेसबुक आईडी इन जस्ट 1 पोर्ट बाय टेक्निकल एबी। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था कि आप अपनी फेसबुक आईडी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे डिसेबल कर सकते हैं किसी भी इंसान की आईडी को, ठीक है। तो ये मेथड काफ़ी ओल्ड हो गया था, कुछ लोगों ने कहा था कि वो ऑप्शन वगैरह नहीं मिल रहे जिनसे आपने आईडी को रिमूव किया था। तो इसे 10,000 बंदे व्यू कर चुके हैं और काफ़ी फरमाइश थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये आपने कैसे किया, कुछ ऑप्शन इसमें मिस हो चुके हैं। तो काइंडली आप मेरी ये वीडियो भी वॉच कर लें। तो आपको मैं अब न्यू मेथड सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं तो लाइक लाजमी किया करें गाइस। तो इससे ये होता है कि अगले बंदे की हौसला अफजाई होती रहती है। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ अपने होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी आईडी ओपन कर लेता हूँ फेसबुक लाइट से। तो यहाँ से मैंने एक अपनी आईडी लॉगिन कर ली है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड लिस्ट को ओपन करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कौन से फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो इनसे मैं बिल्कुल आपके सामने कोई वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहा, देख सकते हैं कि मैं ऑनलाइन आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप मेरा टाइम भी आप नोट कर लें, 6:31 हो चुके हैं। तो आप मेरा टाइम भी नोट कर लें। तो आपने गौर करना है कि मैं अपनी इस आईडी से कैसे रिपोर्ट करता हूं और अगले बंदे की कैसे आईडी रिमूव होती है। तो जैसा कि यहां पे मैं कोई भी आईडी सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके, ये रही एक आईडी, मैं दोबारा इसे ओपन करता हूं, ओके, ये रही एक आईडी, ठीक है। ये वाली छोड़ें, कोई और मैं चेक कर लेता हूँ बाद में। इसे भाई सॉरी भी करनी है क्योंकि ये किसी अगले बंदे की आईडी है और मैं विदाउट रीज़न इसकी आईडी उठाने वाला हूँ। तो पहले से मैं माजरत करता हूँ जिसकी भी मैं आईडी उठाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आईडी चूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, ये एक आईडी मैंने सेलेक्ट कर ली है। पहले तो मैं इनसे माजरत करता हूँ, ये जिसकी भी आईडी है। तो यहाँ पे आपने 3 डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपने सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को देख लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट का, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से 4 ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पे आपने दूसरे ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, रिपोर्ट दिस प्रोफाइल। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3, 2, 5 ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने इस आईडी के ऊपर 4 बेस्ट रिपोर्ट करनी है, जो कि आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये पेंडिंग वाली रिपोर्ट लगानी है इसको। हाँ, आपने फेसबुक लाइट से लगानी है, अदरवाइज किसी और ब्राउज़र से नहीं लगानी। तो यहाँ से आपको ये 3rd ऑप्शन पे एक रिपोर्ट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबमिट टू फेसबुक टू रिव्यू, ठीक है, रिसीव, सॉरी, लिखा हुआ है सबमिट टू फेसबुक फॉर रिसीव रिपोर्ट दिस प्रोफाइल, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ के ऊपर आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे अनचेक हुआ था पहले, तो यहाँ पे आपने टिक लगा देना है, चेक कर देना है और डन वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ओके, ये काम तो हो गया। फिर से आपने 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिपोर्ट में आना है, रिपोर्ट दिस प्रोफाइल, ओके, दिस इज़ ए फेक अकाउंट, यहाँ पे जहाँ पे मैं रिकॉर्डर घुमा रहा हूँ, दिस इज़ ए फेक अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सबमिट फॉर फेसबुक रिव्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने चेक कर लेना है और डन कर देना है, 2 रिपोर्ट होगी।
फिर से थ्री डॉट पे आपने आना है और रिपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है रिपोर्ट दिस प्रोफाइल, और यहाँ पे आपने ये रिपोर्ट लगानी है दिस प्रोफाइल, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपने चेक कर लेना है और डन कर देना है। बकाया मैथड सेम ही है, फिर से थ्री डॉट पे आना है, रिपोर्ट पे आना है, आई थिंक इसकी आईडी उठ चुकी है, देखें गाइस ओपन नहीं हो रही, इसकी आईडी उठ चुकी है। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, आपके सामने है, दो मिनट भी नहीं लगे इसकी आईडी उठ गई है। मेरे पास जब नोटिफिकेशन आएगा इस आईडी का, आप नाम देख लें, ऊपर टाइम देख लें, 4 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी आईडी के ऊपर। तो जब आएगा तो आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन भी चेक करवाऊँगा और उसके ऊपर फुल प्रूफ के साथ आपको वीडियो दिखाऊंगा कि ये आईडी बिल्कुल उड़ चुकी है आपके सामने। हालांकि मैंने 2 रिपोर्ट की थी, तीसरी रिपोर्ट करने की इसको जहमत नहीं हुई, इसकी आईडी उसी वक्त उड़ चुकी है। चलिए तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी आप टाइम नोट कर ले, 6:34:35 हो चुके हैं, ठीक है। आज डेट है 5 तारीख है, 3 माह की, और 2018, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ तब तक के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी आईडी का, जिस आईडी को मैंने रिपोर्ट की थी पूरा 1 घंटा पहले। मैंने 6:35 पे, आई थिंक 35 या 36 मिनट पे मैंने रिपोर्ट की थी इस आईडी के ऊपर, जो कि मैंने अभी रिमूव किया, डिसेबल कर दिया फेसबुक से। सो इसका आपको मैं नोटिफिकेशन भी ऑन करके चेक करवा देता हूँ। पहले मैं आपको अपनी डेट चेक करवा देता हूँ कि आज ही की डेट की वीडियो है ये, 5 तारीख है, ठीक है। देख सकते हैं ऊपर 5 डेट आ रही है, ये ऊपर टाइम के नीचे आ रही है, देख सकते हैं आप लोग, 8:36 हो चुके हैं आज, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ जो मुझे अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। ये आप उस आईडी का नेम देख सकते हैं, यहाँ पे आप वी रिमूव दी प्रोफाइल डैट यू रिपोर्ट, यहाँ से, ठीक है। आपको कन्फर्म के लिए मैंने ये नोटिफिकेशन चेक करवाया है, आपको यहाँ पे रीड वन प्राइवेसी मैसेज, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके भी आपको चेक करवा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो रही है, ये देख सकते हैं 6:33 पे ये है। तो यहाँ पे 7:34 पर ये आईडी रिमूव हो चुकी है, इन लोगों ने यहाँ पे बकायदा टाइम भी दिया हुआ है, देख सकते हैं टुडे आज ही की डेट में ये आईडी तो उसी वक्त रिमूव हो चुकी थी, बट नोटिफिकेशन आने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेट हो गया। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के माइंड में जो सवालात हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।